अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये है मेरी सुबह सुबह का टाइम, और सुबह के 7 बजे थे तो मैं यहाँ पे कर रही थी काम, थोड़े बहुत काम जैसे कि होते ही हैं, हर रोज़ ही होते हैं वैसे तो, लेकिन ये कि जिस दिन दावत हो, मेहमान आने हो, तो मैं फिर ख़सूसी तौर पे जो है ना वो अपने घर को देखती हूँ, हर एक कोना कोना देखती हूँ। और ये है जी मेरी मानो बिल्ली, इसको आप बहुत मिस करते हैं। तो बस मैं हर चीज़ को देख रही थी, मैं वॉशरूम को भी देखती हूँ, मैं पूरे घर को देखती हूँ, किचन तो खैर देख ही रही होती हूँ, तो सेहन भी अच्छी तरह देख लेती हूँ हर चीज़ की, मैं ख़ुद से देखभाल करती हूँ ताकि मेहमान आए तो उन्हें कोई भी कमी नज़र ना आए मेरे घर में, मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा लगे उनको। चलें जी, दावत की तैयारी अब शुरू करते हैं। और मैरिनेशन स्टार्ट कर दी मैंने सबसे पहले। अच्छा, मैंने जब ये बनाना शुरू किया उस वक्त मैं कैमरा ऑन करना बिल्कुल भूल गई थी। आई एम रियली 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 सॉरी। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आज 2-3 रेसिपीज़ की तो ज़रूर ही मैं इन्ग्रीडियंट्स जो है ना वो डाल दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने 2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, जो अच्छी लाल कलर वाली हो ना, वो मैंने इसमें डाली है 2 चम्मच। 1 चम्मच मैंने छोटे वाला काली मिर्च का डाला है, 1 चम्मच छोटे वाला गरम मसाला का डाला है। अच्छा जी, मैंने 3-4 टेबलस्पून मैंने डाले हैं ऑलिव ऑयल के, 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 लीमू मैंने इसमें जूस जो है ना वो भी इसमें डाल दिया है। बस ये मैं कट लगवाया जो है ना ये ब्रोस्ट लेकर आई थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना इस पर लगा लिया है। इसको मैं करूँगी बेक, इसको मैं फ्राई या वो नहीं करूँगी। मुझे बेक किए हुए चिकन जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो थोड़ा सा पानी डाल के इसको चढ़ा सकते हैं, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में ये बड़ा अच्छा से पक जाएगा। इसके बाद लूँगी मैं टांगें, और टांगे इसलिए बांधूंगी कि ये कहीं भाग न जाए, मतलब इसकी टांगे न खुल जाए, तो मैं इसलिए मतलब बांध रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फिर बिल्कुल फ्लैट सा चिकन लगने लग जाता है, तो इस तरह शक्ल बड़ी अच्छी आती है। मैरिनेट करके मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। ओके जी, अब मैं कर लेती हूँ मटन को मैरिनेट। तो मैंने इसमें डाल दिया जी 2 मैंने क्यूब्स डाले हैं, इसमें मैंने पका पपीता फ्रीज करके रखा हुआ था वो डाल दिए हैं, और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ वो डाल दिया है, काली मिर्च मैंने 1 चम्मच भर के वो डाल दी है, और इसमें जाएगा नमक। इसको भी मैं मैरिनेट करके रख दूँगी, ये हो जाएगी हमारी मैरिनेशन कंप्लीट। तो इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बटर क्रीम ट्राइफल बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 कप जितना मैंने चीनी लिया है, और उसको मैंने पैन में डाल दिया है। थोड़ा सा मैं उसमें पानी डालूंगी, और इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं इसको यूज़ करना इसमें इस स्टेज पे, तो ये खुद ही हल्की आंच पे ये पकता रहेगा और ये कैरामलाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दूसरी तरफ मैंने 1/2 कप मेरे पास रखी हुई थी व्हिपिंग क्रीम, वो मैंने इसमें डाल दी है बोल में, और मैं इसको व्हिप कर लूँगी। और क्योंकि ये ठंडी है और कम भी है, तो मैं इसमें थोड़ी देर बाद दूसरी जो क्रीम होती है ना टेट्रा पैक वाली, वो भी इस्तेमाल करूँगी। मतलब व्हिपिंग वाली तो मेरे पास 1/2 कप थी, और दूसरी जो आम क्रीम होती है सादा क्रीम, वो मैं इसमें टेट्रा पैक वाली इस्तेमाल करूँगी। और मैंने 6 चम्मच इसमें डाले थे चीनी के, ठीक है, आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब उसमें कैरेमल भी यूज़ होगा तो काफ़ी चीनी हो जाती है, मैंने इसका सही हिसाब रखा था। तो 6 चम्मच मैंने इसके बिल्कुल छोटा वाला चम्मच है वो मैंने इसमें डाल दिए थे। वैसे पिसी हुई चीनी इस्तेमाल होती है, लेकिन मैंने इस स्टेज पे कर लिया था, मुझे अभी टाइम भी था, तो आराम से वो मिक्स हो जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, बारीक चीनी थी मेरी, ठीक है जी। इसको मैं व्हिप कर लूँगी थोड़ी देर बाद, मैंने ये मिल्क पैक वाली क्रीम भी इसमें डाल दी है, इसको भी मैं व्हिप कर लूँगी।
अच्छा जी, मैं इस यहाँ पे ना दो तरह के बिस्किट जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ। एक तो डाइजेस्टिव बिस्किट हैं, दूसरे ओरियो बिस्किट हैं। अच्छा, इसकी मैं कोई क्वांटिटी नहीं बता पाऊँगी, या आप अपने अंदाज़े से कर सकते हैं। कुछ लोग लेयर स्टेप लगाते हैं तो वो बिस्किट या केक जो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़्यादा रखते हैं, कुछ लोग कम रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हर किसी का अपना अंदाज़ा होता है। मैंने वैसे इसके जो डाइजेस्टिव बिस्किट के अंदर पैकिंग वाले होते हैं, मैंने वो 3 पैकेट इस्तेमाल किए थे, ठीक है, क्योंकि मैं 7 लोगों के लिए बना रही हूँ। और दूसरे जो मैंने ओरियो हैं वो मैंने थोड़े से कम डाले थे, तो मैंने उसके 2 पैकेट इस्तेमाल किए थे। क्रीम भी हो गई है, मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज के अंदर। अच्छा जी, ओरियो बिस्किट मैं अलग कर रही हूँ। आप चाहें तो ये जो क्रीम वाला अंदर होता है ये उसी क्रीम के अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, तो मैंने इसको बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अच्छा, मैंने इन दोनों के जो है ना वो पाउडर फॉर्म में इनको कर लिया है, दोनों बिस्किट्स को, क्योंकि दोनों बिस्किट्स की मैं लेयर बनाऊंगी। अच्छा जी, चीनी जो है वो अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो गई है, कैरमलाइज होना शुरू हो गई है। अच्छा, मैंने इसमें ना 50 ग्राम इसमें डाला था बटर, तो आप अंदाज़े से समझ लें कि 2 चम्मच भर के ना इसमें डाल दें तो काफ़ी रहेगा। बस ये इसका बड़ा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया, तो मैं इसमें डालूंगी बटर। और जब मैं बटर डालती हूँ ना, इसकी इतनी प्यारी सी झाग बनी थी, तो मुझे ना देख के बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, साथ ही मैंने ना एक पैकेट मिल्क पैक क्रीम का वो भी ऐड कर दिया था। तो जी ये रेडी है। इसमें थोड़ी सी मैं डालूंगी जी कॉफ़ी। कॉफ़ी का ना बड़ा अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है, और यकीन करें जैसे लोटस केक होता है ना, तो उसका जैसे फ्लेवर आता है उस तरह का इसका फ्लेवर था इस वाली सॉस का। तो ये आप मीठे तरह तरह के मीठे बना सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज ही करना होता है, वरना वही ट्राइफल और वही हर वक्त बनाते रहते हैं, थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए। तो मैं पहले ट्राइफल बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं डिफरेंट सा मीठा बनाऊंगी। तो मैंने मिक्स मैच करके ना बस 2 मीठों को मिला कर एक और रेसिपी क्रिएट कर ली। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाली थी, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आ गया था। इसको मैं रख दूँगी जी ठंडा करने के लिए। सॉस है वो रेडी हो गई। ये मैंने ओरियो यहाँ पर रखे हैं, ये मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट रखे हैं, ये है जी हमारी क्रीम, और ये आ गए जी हमारे बनानास, ठीक है। एक मैं बनाऊंगी, बाकी सारे मनाल बनाएगी, बस एक मैं बना के दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब मैं इसकी लेयर्स लगा रही हूँ, और मैंने सिंगल सर्विंग रखी है ताकि आराम से हर कोई उठा के खा सके। तो उस तरह का मुझे ज़रा इस तरह मुझे कन्वीनियंस रहती है, बर्तन भी ख़राब नहीं होते ज़्यादा, तो ये बड़ा आसान काम है। तो आप लेयर तो जैसे मर्ज़ी चाहे लगा लें, कम या ज़्यादा कर लें, किसी चीज़ को कम कर लें। मैं जिस तरह लगा रही हूँ आप देख लें, आप चाहें तो इसी तरह लगा लें। मैंने पहले बिस्किट बिछा दिए, फिर क्रीम बिछा दी, उसके ऊपर मैंने जो केले हैं वो काट के डाल दिए, उसके ऊपर ये सॉस चली गई, और ये ब्लैक कुछ और नहीं है, ये कॉफ़ी है जो अच्छे से मिक्स नहीं हुई है। तो उसके ऊपर जी ये मैंने ओरियो बिस्किट डाल दिए, और बस ये काफ़ी अच्छा जो है ना लेयर वाला बन जाता है। उसके ऊपर फिर क्रीम डालूंगी, और जैसे चाहें मतलब आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। और जी बेटी मेरी आ गई थी स्कूल से, उसको ऐसे काम करने का बड़ा शौक है, तो उसने जी सारे क्लास जो है ना वो सेट कर लिए थे, थोड़े थोड़े ख़राब भी हो गए थे उससे, तो बहरहाल सेट हो गए थे। और खाने में तो ये बहुत ही मज़े का था, बहुत ही लाजवाब था। इसको जी हम रख देंगे फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो तकरीबन मेरी तैयारी जो है ना वो कम्प्लीट हो गई थी। उसके बाद ज़ाहिर है थोड़ी सी ब्रेक ली थी मैंने,
चाय वाय पी थी तो हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, उनके लिए फिर मैंने थोड़े बहुत दही बल्ले बना लिए, चाय बना ली, पैटीज़ वो लेकर आए थे क्योंकि बनाल को वो लेकर आए हैं तो ये चीज़ें लेते आए थे। अच्छा जी, अभी मैं कर रही हूँ मुगलाई चिकन की मैरिनेशन। तो सबसे पहले इसमें 2 लेमन, छोटे वाले लेमन हैं, मैंने इसमें डाल दिए, और ये चिकन है तकरीबन किलो से ज़्यादा था, 1.25 किलो होगा, तो इतना इसमें ये चिकन था। इसकी मैरिनेशन मैं बता देती हूँ। मसाले 2 छोटे चम्मच मैंने लाल मिर्च के इसमें डाले हैं, 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया इसमें डाला है, 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी की डाली है। अच्छा जी, इसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला है 1 छोटा चम्मच, 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला का डाला है, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद मैं इसका बनाऊँगी एक पेस्ट। अच्छा, ये जग जो था इसमें थोड़ी देर पहले ही मैंने लहसुन पीसा है, तो मैंने उसी में लहसुन थोड़ा सा पड़ा था, तो उसी में ही मैंने डाल दिया जी 1 प्याली दही, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 5-6 मैंने इसमें काजू डाले हैं, 5-6 मैंने इसमें बादाम डाले हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और 1 छोटी प्याली मैंने इसमें ब्राउन प्याज जो है ना वो डाल के अब मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड। और अब कढ़ाई में मैं डाल दूँगी जी ऑयल, और इसमें चला जाएगा खड़ा गरम मसाला, जिसमें तेज़पात है 1-2-4, काली मिर्चें हैं 2-4 लौंगे हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ठीक है, इसको हल्का सा भून के ना, तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया था। अब चिकन को मैं इसको ज़रा सा भूनूंगी क्योंकि इसकी ज़रा भुनाई होगी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जो मैंने अभी पेस्ट बनाया था। अच्छा, पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें ये कुक होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, और क्योंकि अभी चिकन जो है ना वो कच्चा है और वह अभी गलेगा। इसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, मैंने इसको उतार के थोड़े से भून के ना, और उतार के मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि अभी मैंने इसको सर्व नहीं करना, ये मैं 4 बजे बना रही थी और मेरे मेहमानों ने आना था रात को 7-7:30 के बाद, तो मैं उस हिसाब से जो है ना वो कह रही थी कि मैं उसी वक्त सर्व करूंगी, और क्रीम इसमें एंड में डालनी है वो मैं बाद में डालूं। अच्छा जी, मैं अब मटन बना रही हूं, तो मैंने 3 बड़ी प्याज ली हैं, 1 किलो मैंने मटन लिया है, और 1 प्याली मैंने इसमें दही की ली है। मसालों में इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च, और 1 चम्मच मैंने लिया जी पिसी मिर्च, 1 चम्मच कुटी मिर्च, नमक हंसपे जाएगा, और हल्दी 1 छोटी चम्मच। ठीक है, इसको मैंने डाल के ना अब इसको मैं मिक्स करूँगी, इसके अंदर टमाटर वगैरह कुछ भी मैं नहीं ऐड करूँगी, बस इसको मिक्स करके और इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी, इसके अंदर पानी डालूँगी और ये गलने तक पकेगा। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका मैं एंड में बताऊँगी कि क्या करना है, क्योंकि ये मैं डन जो है ना वो मैं बिल्कुल एंड टाइम पे करूँगी, जब गेस्ट मेरे आ जाएंगे, तो मैं इनको अभी बिल्कुल फाइनल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी है जी अपने काबली पुलाव की। काबली पुलाव मैंने अपने चैनल पे बहुत 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 बार बनाया है। अच्छा जी, मैंने सोचा कि मैं चिकन को रख दूं क्योंकि इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो ये बनेगा ही बनेगा ना, तो मैंने इसको 6 बजे रख दिया था तकरीबन, और इसको मैंने फॉइल में ऊपर नीचे से कवर करके रख दिया है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसको रख दूंगी तो बहुत ड्राई सा हो जाता है, इस तरह बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनता है। इसको मैंने फॉइल से ऊपर नीचे कवर कर दिया, और मैं यहाँ से बस इसको प्रिक कर लूँगी फॉइल को, ताकि स्टीम जो है ना वो अंदर तक जाए। और मैंने ओवन को ना प्री हीट कर लिया था, 200 पे मैं इसको बेक करूंगी। ऊपर नीचे का ओवन मैंने दोनों ही ओवन चलाए थे, तो मैं जैसे ही रखने लगी ना, तो ऊपर वाला जो रह के वो इतना ज़्यादा गर्म था कि मेरे हाथ से छूट गया, तो आप ख्याल किया करें। हम तो खैर आदि हैं, वो हाथ हमारे जलते ही नहीं हैं, अब तो कुछ भी नहीं फील होता पका पका के, तो जो नहीं पकाते कम पकाते हैं वो ध्यान रखें। ये जी मटन है, मटन जो है ना वो रेडी हो रहा है, देखिए इसमें। अच्छा, इसमें ना मैंने थोड़ा सा बटर डाला था, थोड़ा सा मैंने घी डाला था, तो इसको मैंने भून लिया। इसमें मैंने कटी हुई अदरक डाल दी थी, और 2 स्लाइस मैंने इसमें लेमन के डाल दिए थे, इससे ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है।
लेमन और अदरक का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त रहता है। बस ये रेडी है, इसमें और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, नमक बस चख लिया था। अच्छा यहाँ पे जी हो रही है चावलों की तैयारी, तो मैंने चावल जो है ना वो पक्की बासमती के जो सेला राइस भी जिसको बोलते हैं बिरयानी वाले चावल, वो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ मैं काबरी पुलाव के लिए। तो इसमें मैंने खड़ा गरम मसाला डाला है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उन चीज़ें गरम मसाले में वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें दो छोटी प्याज जो है ना वो मैंने काट के वो डाल दी थी, टमाटर डाले थे, और बस टमाटर जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हुए पानी डाला था और मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। अच्छा ये मैंने कुकर में गलाया है जी अपना मटन, और ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिए, गाजरें डाल दी, और इसको ये चला जाएगा जी दम पे। और बेसिकली तो फरमाइश सिर्फ और सिर्फ काबली पुलाव की थी कि आपने सिर्फ काबली पुलाव बनाना है, हम सिर्फ काबली पुलाव खाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरे घर कोई गेस्ट हैं और मैं एक ही चीज़ पे उनको तरखा दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ, और उन्होंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं, वही काबली पुलाव उन्होंने खाया बड़े शौक से, ज़्यादातर वही खाया, बाकी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो उन्होंने चखा था। और ससुराल जो मेरे ससुराल से जो है ना वो गेस्ट आए थे, और मेरे ससुराल वाले थे तो इसलिए क्योंकि वो वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो मैंने उनकी वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बनाई। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ सैलड, जो कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, मुझे सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ, अपने लिए भी बना रही हूँ। और बस मैंने ये सलाद के पत्ते और खीरे काट लिए थे, क्योंकि बाकी जो वेजिटेबल्स हैं ना वो मैं रखूँगी अपने होल चिकन के साथ। मैं ये हनी सॉस बना रही हूँ, चिकन ये है जी इटालियन सॉस जो कि सैलड्स वगैरह में डलती है, हम इसको चिकन के साथ बनाएंगे, और इसमें डालेंगे हम हनी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, हनी और थोड़ा सा गार्लिक भी डालेंगे। अच्छा जी मैंने इसमें ना ये सॉस बना रही हूँ मैं चिकन के साथ, ताकि फीका फीका सा ना लगे, तो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला, थोड़ा सा लहसुन डाला, उसके बाद मैंने ये इटालियन सॉस मिलती है मैंने तहजीब से ली थी, तो मैंने थोड़ी सी वो डाली, हनी डाला, और बस ये रेडी है। इसको मैंने कोई बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया, बस ऐसे थोड़ा सा जैसे कुक हुआ ना, तो बस मैंने उतार लिया था ताकि चिकन और वेजिटेबल्स के साथ उसका बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। थोड़ी सी मैंने सिराचा सॉस डाली थी, चिली सॉस है, कुछ भी है, थोड़ा सा केचप हो है तो वो डाल दें, बस मैंने वो डाल दिया था। और ऑलिव ऑयल तो वैसे ही बड़ा हेल्दी है, थोड़े से मैंने इसमें हर्ब्स डाल दिए थे, मिक्स हर्ब्स जो होते हैं, तो ये हमारी ड्रेसिंग या सॉस या कुछ भी समझ लें वो भी रेडी है। और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस भी डाला था, थोड़े थोड़े करके ना इन्ग्रीडियंट्स बढ़ते आ रहे हैं, तो मैंने बस टेस्ट भी देखना होता है ना, तो मैं बस टेस्ट वो मैंने चेक कर लिया था, तो बहुत मज़े की बन गई थी जी, ये रेडी है। अच्छा मैंने मटन जो है वो डिश में निकाल लिया था, उसके ऊपर मैंने सबस मिर्चें, थोड़ा सा अदरक मैंने गार्निश कर लिया था, और बटर चिकन भी मैं निकाल रही हूँ, तो इसको भी मैं सर्व कर लूँगी। वो कपड़ा लाओ मनाल, वो पिंक वाला कपड़ा लाओ। ये हो गई जी हमारी चिकन रेडी, और सब्जियां भी मैंने, आलू जो है ना वो मैंने बॉईल करके ना हाफ बॉईल करके मैंने वो इसमें डाल दिए थे ताकि थोड़े से ब्राउन हो जाएं, और जो गोभी है वो मैंने हल्की सी फ्राई करके ना वो भी इसमें डाल दी थी ताकि वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, सॉस भी रेडी हो चुकी थी।
इसमें शामिल कर देते हैं। हाँ ग्रेवी हम बना लेते हैं बस। कोई बात नहीं, इसमें शामिल कर देते हैं, इतना अच्छा टेस्ट आ जाएगा बनता हूँ तो। इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी और अब मैं एक्टिव होने की भी पूरी पूरी ट्राई करूँगी। मिलूँगी जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों के लिए, प्यारों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए और उनसे दाद वसूल करें जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।